हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज द कंपैरिजन बिटवीन ब्लैक फंगल डिजीज, व्हाइट फंगल डिजीज एंड येलो फंगल डिजीज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ब्लैक फंगल डिजीज के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे। ब्लैक फंगल डिजीज ये वेरी रेयर इन्फेक्शन है और बहुत कम लोगों में होता है, बट जिनमें यह होता है उनमें इफ़ेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक फंगल डिजीज जो है एक फंगस से होता है जिसका नाम है म्यूकरमाइस्टिस। इसी वजह से इसे म्यूक्रोमाइकोसिस भी कहते हैं। जो म्यूकरमाइस्टिस फंगस है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स होते हैं, प्लांट की पत्तियाँ जो होती हैं जो स्पायल कर जाती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। कंटामिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम व्हाइट फंगस की बात करें तो व्हाइट फंगस जो है लगभग ब्लैक फंगस के सिमिलर होता है, बट ये डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि ये लंग्स के अलावा अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, बॉडी ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। व्हाइट फंगस डिजीज उन व्यक्ति में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, काफ़ी वीक है। देन अगर हम येलो फंगल डिजीज की बात करें, येलो फंगस की बात करें, ये हमारे बॉडी में वाया इन्हेलेशन रूट से इंटर करता है। हालांकि ये जो तीनों फंगस हैं ये इन्हेलेशन रूट से ही इंटर करते हैं। जो हमारा येलो फंगस है वो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से पूरी तरह से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो हमारा ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का इन्फेक्शन है तो हमारे माउथ से या फिर नोज से स्टार्ट होता है, बट जो हमारा येलो फंगस का इन्फेक्शन है ये डायरेक्टली वाइटर ऑर्गन पर अटैक करता है। इस वजह से ये वाइट फंगस और ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था ब्लैक फंगल डिजीज के सिम्टम्स के बारे में, तो ब्लैक फंगल डिजीज का में जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो हेडेक, नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन का मतलब होता है नाक का जमना, स्वेलिंग ओवर फेस, लॉस ऑफ विजन और पेन इन द आईज। ये सारे सिम्टम्स में ब्लैक फंगल डिजीज में देखने को मिलते हैं। अगर हम व्हाइट फंगल डिजीज की बात करें तो उसमें कफ, फीवर, डायरिया, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल, मींस जितने सिम्टम्स कोविड-19 डिजीज के थे सारे इसमें देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हम व्हाइट फंगल डिजीज को एक्सरे या सीटी स्कैन से ही फाइंड आउट कर पाते हैं। अगर हम येलो फंगल डिजीज की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम इन डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है। अगर कहीं पर इन्फ्लामेशन हो गया, चोट लग गई है, तो वहाँ पर जो हीलिंग होती है वो हीलिंग की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। और लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका ये भी सिम्टम्स है कि भूख कम लगता है। देन अगर हम रिस्क की बात करें तो जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है ये इन्फेक्शन होने के, मीन ब्लैक फंगल डिजीज होने के इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्लैक फंगल डिजीज होने के। जिनको कोविड हुआ है उनको भी होते हैं, कोविड जिनको हुआ है उनको इसलिए होते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था। क्या होता है कोविड डिजीज में, लोग एक टेबलेट दी जाती है स्टेरॉइड्स की लिया जाता है, तो कोविड में तो फ़ायदा करती है लेकिन उसकी वजह से क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट में, कोविड के पेशेंट में यानी ब्लैक फंगल डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें व्हाइट फंगल डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जो हैवी स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनमें येलो फंगल डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो ये रिस्क फैक्टर हैं, मीन्स अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या कोविड-19 का पेशेंट रहा है, ये जिसका इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, या बहुत दिनों से किसी भी रीजन की वजह से स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, हैवी डोज ले रहे हैं स्टेरॉइड्स का, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन अगर हम मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो ब्लैक फंगस की मॉर्टेलिटी रेट को हम बोलते हैं मृत्यु दर। तो मॉर्टेलिटी रेट जो ब्लैक फंगस की होती है वो 50% होती है। व्हाइट फंगस की जो मॉर्टेलिटी रेट होती है वो कैलकुलेट नहीं की गई है अभी व्हाइट फंगस की। ब्लैक फंगस मॉर्टेलिटी रेट का मतलब जैसे 50% है मान लीजिए ब्लैक फंगस की, तो मतलब 50% चांसेस होते हैं पेशेंट बच जाएगा, 50% चांसेस होते हैं पेशेंट नहीं बचेगा। अगर हम येलो फंगस की मॉर्टेलिटी रेट देखें तो उसका 25% to 90% के बीच में होता है। तो यह मॉर्टेलिटी रेट,
मीन्स कितने परसेंट चांसेस हैं में डिजीज होने के बाद पेशेंट के बचने की या डेथ होने की। देन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ब्लैक फंगल डिजीज है इसमें एंटी फंगल ड्रग देते हैं एम्फोवी, इसका टेबलेट देते हैं। देन अगर व्हाइट फंगल डिजीज की बात करें तो इसमें हम कॉमन मेडिसिन देते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, मीन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स, ये सारे ड्रग देते हैं। अगर एलो फंगल डिजीज की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन देते हैं आई वी रूट से। तो ये है ट्रीटमेंट। और अगर जो सर्जरी है लास्ट चॉइस है, अगर ट्रीटमेंट से नहीं फ़ायदा हो रहा है तो सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड टिश्यू है उसे सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा रिमूव कर देते हैं। देन अगर हम बात करें प्रिवेंशन की तो तीनों कंडीशन में, चाहे वाइट फंगल डिजीज हो, ब्लैक फंगल डिजीज हो या येलो फंगल डिजीज हो, इसमें हमें जो फ्रूट्स कई दिनों से फ्रिज में रखे हुए हैं उनमें फंगस मतलब फफूदी होता है, तो फंगल ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फ्रूट्स हमें नहीं खाना है। हमें ताज़ा फ्रूट्स खाना है, ताज़ी वेजिटेबल्स खानी है। देन फ्रूट्स जो है ताज़ा खाना है, बहुत देर का रखा हुआ नहीं खाना है। अपने आसपास की एरिया को क्लीन करके रखना है, सैनिटाइज करके रखना है, और स्टीरॉयड का कम से कम यूज करना है या उसे अवॉइड करना है अगर नेसेसरी नहीं है तो। अगर लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन हमें मास्क का यूज करना, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम मॉइस्ट प्लेस पर जाते हैं, ऐसी एरिया पर जाते हैं जहाँ डर्टी प्लेस है, धूल बहुत है, क्राउडेड प्लेस है, तो वहाँ पर हमें डबल मास्क का यूज करना है, जैसा कि कल हमने बताया था, एक सर्जिकल मास्क और एक कॉटन मास्क का यूज करना है। सूज का यूज करना है और फुल स्लीव शर्ट का यूज करना है, जिससे कि कम से कम एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में हमारा बॉडी पार्ट आए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम रहे। और डर्टी प्लेस पर जाने से, मॉइस्ट प्लेस पर जाने से, क्राउडेड प्लेस पर जाने से हमें अवॉइड करना है। थैंक यू एच। तो ये रहा हमारा कंपैरिजन बिटवीन ब्लैक फंगल डिजीज, व्हाइट फंगल डिजीज एंड येलो फंगल डिजीज। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइज़।